अक्सर अस्पतालों में मरीजों के तीमारदार अभद्रता करते नजर आते हैं, जिसकी वजह से कई बार स्टाफ कार्य बहिष्कार भी करते हैं। ऐसा एक मामला मैनपुरी के जिला अस्पताल से सामने आया है, जहां इमरजेंसी में ड्यूटी के दौरान ओटी अटेंडेंट और मरीज के तीमारदार के बीच कुछ कहा सुनी हो जाती है, जिसके बाद देखते ही देखते तीमारदार ने अस्पताल कर्मचारी पर हाथ उठाया। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने बीच बचाव करके मामला शांत किया और मामले की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल प्रशासन की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया है। वहीं अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में मारपीट की पूरी वारदात कैद हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस मामले पर पीड़ित स्वास्थ्यकर्मी से बात की तो उनका कहना है कि वार्ड में मरीज से ज्यादा तीमारदार थे, तो बस बाहर जाने के लिए कहा था, जिस पर उन्हें लगा कि मैंने गाली दी है, बिना सोचे समझे मुझ पर टूट पड़े। अभिषेक कुमार, क्या हादसा हुआ, ये क्या मामला है? मामला ये है कि पब्लिक बहुत ज्यादा थी, भीड़ बहुत ज्यादा भर गई थी, पेशेंट कम थे, अटेंडेंट ज्यादा थे। मैं उठ के मैंने बोला पब्लिक से, मैंने कहा एक सारे लोग बाहर हो जाओ, एक एक करके दिखा लो। इतने में एक पेशेंट का अटेंडेंट पैनिक हो गया, उसने हाथापाई चालू कर दी मेरे साथ में। क्या आपके संग हाथापाई भी हुई है? जी, हाथापाई भी हुई है। अच्छा, उस कुछ लोगों का यहाँ ये आरोप है आपने कुछ गाली गलौज? नहीं, गाली नहीं दी मैंने, उनका सुनने में गलत हो गया। मैंने कहा सारे लोग बाहर हो जाओ, उसे लगा कि मैंने गाली दी। अभी पुलिस में किसी तरीके की शिकायत वगैरह की आपने? नहीं, मैंने सूचना दे दी कोतवाली में। फिलहाल क्या आप लोग कार्य बहिष्कार पे हैं? नहीं, अभी कार बहिष्कार पे अभी नहीं, सुबह जो भी होगा सुबह से स्टार्ट करेंगे। हालांकि इस मामले में अस्पताल के सीएमएस से बात की तो उनका कहना है कि अक्सर मरीजों के तीमारदार मारपीट करते हैं, जिसकी सूचना पुलिस को भी दी है। हाँ, ये मामला संज्ञान में रात में ही आ गया था। हमारे अभिषेक एक ओटी अटेंडेंट हैं, उन्होंने उनके साथ किसी तीमारदार ने और भीड़ होगी, उन्होंने कुछ कहा होगा कि भागो सारे यहाँ से, उनकी समझ में कुछ और आया होगा, इसकी वजह से जो है वो वहाँ पे कोई तीमारदार थे किसी मरीज के, वो उससे भिड़ गए और उन्होंने मारपीट भी करी है, अभद्रता भी करी है, और इस तरीके से हमारे कर्मचारियों में रोष भी है और निराशा भी है, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर जो है इस तरीके का प्रकरण होता रहता है। और हमने कई बारी, हालांकि एसपी साहब ने कॉन्स्टेबल भी लगाए हैं, मगर दो कॉन्स्टेबल से कोई बात बन नहीं रही है, और ये आए दिन का प्रकरण है, इसलिए इसमें जो है तहरीर दे दी गई है, फोटो सीसीटीवी का फुटेज भी देखा गया है, उसमें वो आदमी मारते हुए दिखाया जा रहा है, और यही है कि हम कोतवाली से उनको तहरीर दे दी गई है और उसमें मैंने भी लिखा है कि सबसे सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन दो पुलिसकर्मी इतने तीमारदार को नहीं संभाल पाते, फिलहाल पुलिस को इस मामले की सूचना दे दी है। फिलहाल पुलिस ने अस्पताल प्रशासन पर दी गई तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी तीमारदार को भी गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मैनपुरी से आशीष सक्सेना की रिपोर्ट।